कोरोना की आड़ में रिश्तों के कत्ल का एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला आंध्र प्रदेश के तिरुपति से सामने आया है, जहां एक शख्स अपनी इंजीनियर पत्नी की हत्या कर उसके शव को लाल सूटकेस में डाल कर ले जाता दिखा। पति पर आरोप है कि वो अपनी ही पत्नी की हत्या करने के बाद उसका शव सूटकेस में लेकर शहर के बाहर सुनसान इलाके में आग लगा दिया। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वो कुछ महीनों से बेरोजगार था और पत्नी के साथ अक्सर उसकी लड़ाई होती रहती थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कड़पा जिले के बुड्डेल रहने वाला श्रीकांत रेड्डी और चित्तूर जिले के राम समुद्रम की रहने वाली 27 वर्षीय भुवनेश्वरी की साल 2019 में प्रेम विवाह हुआ था। भुवनेश्वरी हैदराबाद स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में कार्यस्थ थी। दोनों 3 महीने पहले तिरुपति के डीबीआर रोड में स्थित एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। इन दोनों की करीब 1.5 साल की एक बेटी भी है। भुवनेश्वरी पिछले कई दिनों से लापता थी। उनके पति मरम रेड्डी श्रीकांत रेड्डी पर पत्नी की हत्या का आरोप है। कोरोना वायरस महामारी के चलते भुवनेश्वरी घर से ही काम कर रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में श्रीकांत अपने अपार्टमेंट में लाल रंग का सूटकेस लाता दिखाई देता है। उसके एक हाथ में अपनी बेटी को पकड़ा है, बाद में वो सूटकेस को बाहर लाता भी दिखाई देता है। पुलिस ने शव के नमूनों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। श्रीकांत ने भुवनेश्वरी के रिश्तेदारों को बताया था कि उसकी मौत कोरोना की वजह से हैदराबाद में हुई है। परिवारजनों ने अस्पतालों से लेकर मुर्दा घरों तक शव को तलाश लिया। परिवारजनों को शक हुआ तो मामला पुलिस के पास पहुंचा और जांच में सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। पुलिस ने जला हुआ शव बरामद कर लिया है, साथ ही श्रीकांत की गिरफ्तारी भी हो गई है। पुलिस अधिकारी रमेश रेड्डी ने बताया कि जांच इस बात की ओर इशारा कर रही है कि भुवनेश्वरी की हत्या हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, शव 90% तक जला हुआ है। श्रीकांत ने एक स्टोर से बड़ा सूटकेस खरीदा था और शक है कि उसने वो शव को ठिकाने लगाने के मकसद से ही खरीदा होगा। मामले का सबसे संवेदनशील पहलू ये है कि मर्डर से लेकर लाश जलाने तक श्रीकांत ये सब कुछ अपनी 1.5 साल की मासूम बेटी के आंखों के सामने कर रहा था।